हेलो फ्रेंड, मेरा नाम पवन कुमार है और आज हम इस वीडियो में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली जब आप AWS में लॉगिन करते हो तो वहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे बेसिकली आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। तो अगर आपका ईमेल आईडी हैक हो जाता है तो आपका AWS अकाउंट भी हैक हो सकता है। तो आप MFA यूज़ करके अपने अकाउंट को डबल सिक्योर कर सकते हो। तो सिंपली आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो ये मेरा लॉगिन हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करूँगा, राइट, वहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन था, अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ, अगर मैं ईमेल आईडी आपका हैक कर लेता हूँ तो फिर मैं आपका AWS अकाउंट भी हैक कर सकता हूँ, राइट। तो हम उसके लिए IAM अकाउंट में जाकर MFA सर्विस इनेबल कर सकते हैं, और जिस वजह से हमें क्या होगा, हमें एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा और फिर हम यूज़र नेम पासवर्ड एंड देन ये वन टाइम पासवर्ड हम पुट करेंगे, फिर हमें ये लॉगिन करने देगा। चलिए देखते हैं किस तरह से ये होता है। लेट्स सी, यहाँ पे आप मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, वर्चुअल एंड हार्डवेयर। वर्चुअल आपके किसी सॉफ्टवेयर डिवाइस के, आपके सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होता है, और ये बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस के साथ अटैच होता है। हम अपने इस एग्जाम्पल में वर्चुअल एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, राइट। सो लेट्स क्लिक नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे आपके पास बारकोड रीडर है, तो आपको ये बारकोड रीडर बेसिकली, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में एक गूगल ऑथेंटिकेटर सॉफ्टवेयर आप यूज़ इंस्टॉल कर सकते हो। ये बेसिकली ISO और प्लस एंड्रॉयड फ़ोन के लिए अवेलेबल होता है। तो आप वंस यू इंस्टॉल्ड इट एंड जस्ट ओपन इट, यहाँ पे आपके पास बिगिन करने के लिए बोल रहा है, जस्ट बिगिन इट। एंड वंस यू बिगिन इट, इट स्कैन फॉर अ बारकोड रीडर, एंड ये इस बारकोड रीडर को आप अपने इस बारकोड रीडर के पास लेके जाओ, राइट। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जैसे मैंने बारकोड को स्कैन किया, ये मेरे पास कुछ नंबर आ रहा है। आपको ये नंबर दो टाइम आएंगे, एक टाइम आता है तो पहले आप ऊपर पे डालो ऑथेंटिकेटर कोड 1 पे, एंड सेकेंड टाइम में ऑथेंटिकेटर 2 पे डालना होता है आपको। सो लेट मी पुट इट 1, मेक इट फास्ट बिकॉज ये थोड़ा जल्दी चेंज हो जाता है। इस कोड को आपको जल्दी डालना होगा, इस कोड 1 कोड 2 में, बिकॉज ये चेंज होता है जल्दी। एंड सेकेंड वन इज 9725515, activate it. So once you activate it, let's see how it works. Sign in again. And then the password. And here it goes. आपसे ये वन टाइम पासवर्ड मांग रहा है 19711, और ये हमेशा चेंज होता रहता है। सो लेट्स सी, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे आप टू टाइम ऑथेंटिकेटर प्रोसेस आपने इनेबल कर दिया है। अब आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको सेकेंड टाइम्स में बेसिकली आपसे दूसरे बार दूसरा पासवर्ड मांगा, जो कि डबल सिक्योरिटी इनेबल करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूंगा आपको IAM से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।